सो हेलो गाइस, कैसे हैं? आपके फॉर्म स्लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट यहाँ रिलीज की गई है, जहाँ पर वेरियस पदों के लिए आप कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या रखी गई है, तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर होने वाले ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पोस्ट या स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसीज यहाँ 7483 कैटेगरी आपकी गवर्नमेंट होने वाली है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होगा। जॉब लोकेशन आपके ओडिशा स्टेट के अंतर्गत में होंगे। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते क्या रखे गए हैं। तो एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो गया 27 जनवरी 2023 से और लास्ट डेट होने वाले यहाँ पर 17 फरवरी 2023। एग्जाम के डेट यहाँ पर 19 मार्च 2023 होने वाले हैं। इसके अलावा मेरिट लिस्ट के डेट आपके बाद में नोटिफाई किए जाएंगे। पोस्ट की डिटेल देख लेते क्या रखे गए। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर 7483 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत में एज लिमिट देखते हैं क्या रखी गई है। यहाँ पर मिनिमम 21 और मैक्सिमम 38 वर्ष तक का एज लिमिट रखा गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाले हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं यहाँ पर क्या रखी गए। तो स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर नर्सिंग होनी चाहिए या फिर ANM की सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के साथ में होना चाहिए। सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्टाफ नर्स को 29,200 से 92,300 पर मंथ की सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो यहाँ पर एग्जामिनेशन होंगे और बाद में आपके इंटरव्यू ले जाएंगे और इसके बाद लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा, जहाँ पर रजिस्टर करके वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर अपलोड करना है और उसके बाद में सबमिट का बटन दबाकर सामने जो डिटेल्स दिख रहे होंगे उनको प्रिंट में निकाल लेना है, जो कि एडमिट कार्ड निकालते वक्त आपके काम आ सकते हैं। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं स्टाफ नर्स के लिए, वो 17 फरवरी 2023 तक अपना आवेदन कर पाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लें। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो फॉर्म स्लिप में बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिले।